हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, एक बार शांता ने बांता से पूछा कि अरे यार, मेरी बीवी को देखा क्या, सुबह से दिखाई नहीं दी। बांता ने शांता से कहा कि हाँ देखा था, मैंने तुम्हारी बीवी को नहाते हुए देखा था। फिर क्या था, शांता ने उसकी धुलाई शुरू कर दी। धुलाई करने के बाद बांता ने बताया कि मुझे मारा क्यों, तो उसने बोला मेरी बीवी को नहाते हुए क्यों देखा, तो उसने बोला कि अबे मैं नहा रहा था, तेरी बीबी जा रही थी गली से। फ्रेंड्स, आज हम इसी तरह के कंफ्यूज कर देने वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश बनाना सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, उसने कहा कि मैंने तुम्हारी बीवी को नहाते देखा, तो इसका मतलब दो अर्थ निकलता है कि मैं नहा रहा था, तुम्हारी बीवी को मैंने नहाते हुए देखा, यानी कि मैं नहा रहा था, या मैं तुम्हारी बीवी को नहाते हुए देखा, मतलब तुम्हारी बीवी नहा रही थी तब मैंने देखा। दोनों मतलब निकलता है। बट हम इंग्लिश में ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे, इंग्लिश में तो एक ही तरीके से बोलेंगे, तो हम फिर कैसे समझेंगे कि क्या बोल रहा है बंदा, सामने वाला क्या बोल रहा है। तो आज हम इसी तरह के कन्फ्यूजन को दूर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से अंत तक देखा कीजिए अगर आपको सचमुच में इंग्लिश सीखना है तो। ओके फ्रेंड्स, सो शुरू करते हैं उस तरह के सेंटेंसेस। बांता ने शांता से कहा कि मैंने तुम्हारी बीवी को नहाते देखा। ओके, अगर उसकी बीवी नहा रही थी तो वहाँ पर इंग्लिश में ऐसे बनाएंगे, आई सा योर वाइफ बाथिंग। अगर बांता नहा रहा था और उसने नहाते हुए उसकी बीवी को देखा, तो वहाँ पर होगा कि आई सा योर वाइफ व्हेन आई वॉज बाथिंग। ओके फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आ रहा ना, इसमें कन्फ्यूजन रहता है। जैसे मैंने उसे जाते हुए देखा, अब वहाँ पर सवाल ये उठता है कि मैं जा रहा था कि वो जा रहा था। हिंदी में हम जैसे बोल रहे हैं उस तरह से, तो दोनों अर्थ निकलता है कि मैंने उसे जाते हुए देखा। ऐसा भी हो सकता है कि मैं जा रहा था और वो कहीं बैठा था, मैंने जाते हुए देखा उसे। या ऐसा भी हो सकता है कि मैं बैठा था और वो जा रहा था, मैंने उसे जाते हुए देखा। ओके फ्रेंड्स, तो दोनों अर्थ निकलता है, बट दोनों अर्थ के लिए अलग अलग इंग्लिश है, बट सेंटेंस हिंदी में एक ही तरीके से बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैंने उसे जाते हुए देखा, अगर वो जा रहा था तो ऐसे बोलेंगे, आई सॉ हिम गोइंग। अगर मैं जा रहा था उसे मैंने देखा, तो आई सॉ हिम व्हेन आई वॉज गोइंग। ओके फ्रेंड्स, मैंने हाथी को पैंट पहनते देखा, तो हाथी पैंट पहन रहा था, पहला मतलब ये निकल गया, और दूसरा मतलब ये कि मैं पैंट पहन रहा था और हाथी को देखा मैंने, तो मैंने हाथी को पैंट पहनते देखा जब हाथी पैंट पहन रहा था। आई सॉ एन एलिफेंट पुटिंग ऑन पैंट। अगर मैं पैंट पहन रहा था और मैंने पैंट पहनते हुए हाथी को देखा, तो आई सॉ एन एलिफेंट व्हेन आई वॉज पुटिंग ऑन पैंट। ओके फ्रेंड्स, उसने मुझे नदी में नहाते हुए देखा, ही सॉ मी बाथिंग इन द रिवर, मींस मैं नहा रहा था। अगर वो नदी में नहाते हुए मुझे देखा, तो ही सॉ मी व्हेन ही वॉज बाथिंग इन द रिवर। मैंने राधा को गाते हुए देखा, आई सॉ राधा सिंगिंग। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आई सॉ राधा सिंगिंग अगर हम बोल रहे हैं तो इसका अर्थ क्या निकलता है। इसका अर्थ यह निकलता है कि राधा गा रही थी। अगर मैं गा रहा था तो यहाँ पर ऐसे हम बोलेंगे कि आई सॉ राधा व्हेन आई वॉज सिंगिंग। उसने मुझे उसे पीटते हुए देखा, उसने मुझे उसे पीटते हुए देखा, मतलब उसने मुझे देखा कि मैं उसको पीट रहा था, किसी थर्ड पर्सन को पीट रहा था मैं। ही सॉ मी बीटिंग हिम। ओके, उसने मुझे खेलते हुए देखा, ही सॉ मी प्लेइंग। या दूसरा अर्थ अगर हम लेते हैं तो ही सॉ मी व्हेन ही वॉज प्लेइंग। हम दोनों सेंटेंसेस को इस तरीके से बोल सकते हैं, ही सॉ मी व्हेन आई वॉज प्लेइंग, He saw me when he was playing. Okay friends, confusion नहीं रहना चाहिए। इसलिए अगर हम मैंने उसे खेलते हुए देखा, अगर वो खेल रहा था तो I saw him playing। इसका साफ मतलब निकलता है कि वो खेल रहा था। बट अगर हम कहते हैं कि I saw him when I was playing, तो इसका मतलब ये हो जाता है
कि मैं खेल रहा था और मैंने खेलते हुए उसे देखा। ओके फ्रेंड्स, मैंने मोहन को गाड़ी चलाते हुए देखा। आई सा मोहन ड्राइविंग कार। मैंने उन लोगों को पार्क में टहलते हुए देखा। आई सा देम वॉकिंग इन द पार्क। अगर मैं टहल रहा था तो आई सा देम व्हेन आई वॉज वॉकिंग इन द पार्क। रवि ने राधा को नाचते हुए देखा। रवि सा राधा डांसिंग। मैंने तुम्हें कल पेड़ पर चढ़ते हुए देखा। आई सा यू यस्टरडे क्लाइंबिंग ऑन द ट्री। अगर मैं चढ़ रहा था और मैंने उसे चढ़ते हुए देखा तो आई सा यू यस्टरडे व्हेन आई वॉज क्लाइंबिंग ऑन द ट्री। ओके फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के सेंटेंस में जो कन्फ्यूज़न थे वो आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि मैंने उसे नहाते हुए देखा तो मतलब वो नहा रहा था तो हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, और जब मैंने नहाते हुए उसे देखा तो इंग्लिश में उसको कैसे बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैंने तुझे कल दूध पीते हुए देखा। आई सा यू यस्टरडे ड्रिंकिंग मिल्क। जब मैं दूध पी रहा था और मैंने दूध पीते हुए उसको देखा तो आई सा यू यस्टरडे व्हेन आई वॉज ड्रिंकिंग मिल्क। ओके फ्रेंड्स, उन लोगों ने मुझे गाते हुए देखा। दे सा मी सिंगिंग। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया एक तरह के सेंटेंस। अब दूसरी तरह के सेंटेंस ऐसे होते हैं जैसे वो रोते रोते आई, वो हंसते हंसते गया, वे लोग बोलते बोलते गए। ओके फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं? तो इस तरह के सेंटेंसेस में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। वो रोते रोते आई, मतलब वही रो रही थी और रोते रोते आई। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि मैं रो रहा था कि वो रो रही थी। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें साफ क्लियर है कि वह रोते रोते आई, मतलब क्लियर है बात कि वो रोते रोते आई थी। तो इसको हम कैसे बनाते हैं? सिंपल, सी केम क्राइंग। वह दौड़ते दौड़ते गया। ही वेंट रनिंग। वे लोग बोलते बोलते गए। दे वेंट स्पीकिंग। वह बड़बड़ाता गया। ही वेंट मर्मरिंग। राधा रोते रोते आई। राधा केम वीपिंग। तुम हंसते हंसते सोए। यू स्लेप्ट लाफिंग। तुम्हारा भाई यहाँ से गाते हुए गया। योर ब्रदर वेंट सिंगिंग फ्रॉम हियर। वे लोग मुझे देखते गए, यानी कि मुझे देखते हुए गए। दे वेंट लुकिंग एट मी। वह रोता रोता सो गया। ही स्लेप्ट वीपिंग। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों तरह के सेंटेंसेस जो स्ट्रक्चर थे वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए। फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, बनाने के जो नियम होते हैं? अगर मैं ये बोलूँ कि मैंने उसे नाचते हुए देखा या नाचते देखा, यानी कि वो नाच रहा था मैंने उसे देखा, तो इसका होगा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म आएगा, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी। ओके फ्रेंड्स, ये स्ट्रक्चर है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स जो होते हैं कि सीता रोते रोते आई, इसका होता है सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस वी आई एन जी, यानी कि जो सेकेंड वर्ब है, सेकेंडरी वर्ब, उसमें आई एन जी लगता है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि इन दोनों तरह के स्ट्रक्चर वाले सेंटेंसेज को हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगने पर लाइक किया कीजिए, और फ्रेंड्स कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताया कीजिए कि और आप क्या क्या सीखना चाहते हैं, और आपकी क्या फरमाइश है, आप क्या और जानना चाहते हैं इंग्लिश में। ओके फ्रेंड्स, आपके कमेंट में ये बताने से मुझे मदद मिलेगी और मुझे वीडियो बनाने में भी मदद मिलेगा, ताकि मुझे
टॉपिक मिलता रहे और मैं वीडियो डेवलप करता रहूँ आपके लिए। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स वीडियो को उन लोगों तक शेयर ज़रूर किया कीजिए जिन्हें इंग्लिश सीखने की सख्त ज़रूरत है। तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद। अगर आपको इंग्लिश में लिखना पढ़ना नहीं आता है और आप लिखना पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए। चैनल के प्लेलिस्ट पर ऊपर प्लेलिस्ट लिखा हुआ होगा, उस पर क्लिक कीजिए। फिर उसके बाद सारे प्लेलिस्ट खुल जाएंगे और ऊपर से जो तीसरे नंबर पर है जहाँ पर लिखा है इंग्लिश में लिखना पढ़ना सीखे, उस प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए। सारे वीडियोज आ जाएंगे, यहाँ पर 7 वीडियो हैं। इन 7 वीडियोज़ को देखने के बाद आपको इंग्लिश में लिखना पढ़ना ज़रूर आ जाएगा।